बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दूं, हमारे साथ मनोज कुमार जैन है, हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च है पृथ्वी फिनमार्ट से। भाविक पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के, और कमोडिटी हेड रिसर्च है निर्मल बैंक के कुणाल शाह। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे साथ आगे होंगे, जिनसे बुलियन मार्केट पर राय लेंगे कि किस तरह की चाल आगे दिख सकती है। लेकिन सबसे पहले फेड के जिस तरह के डिसीजंस कल आए बाजार के अनुमान के मुताबिक थे, बाजार पहले से ही प्राइस इन कर चुका था, प्राइस में पहले से ही डिस्काउंटेड था कि 0.25% की बढ़ोतरी ब्याज दरों में होगी, लेकिन आगे की कमेंट्री काफ़ी बुलिश थी और बुलियन मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री थी, क्योंकि अब फेड को चिंता है यूएस की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को लेकर। तो ऐसा अब बाजार अनुमान लगा रहा है कि आने वाले बैठक में यानी सितंबर में जो बैठक होगी उसमें ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, 0.5% के आसपास की ही बढ़ोतरी वहाँ पर हो, या जो टोन है वो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये नरमी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अब इसका फायदा यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी मिल रहा है, काफ़ी समय से एक रेंज में कारोबार कर रहा था, शानदार तेज़ी दिख रही है। कुणाल जी क्या लग रहा है, जिस तरह की तेज़ी आज चांदी में दिख रही है, आपको लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा चांदी में और यहाँ पर खरीदें अब? हेलो जी, जी कुणाल जी। हाँ, सो ये जो हमने कल रात को डिसीजन आते हुए देखा है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड था। मेरी राय में मौजूदा स्तरों से भी आपको एक अच्छी तेजी और देखने मिल सकती है गोल्ड और सिल्वर में। मेरी राय में गोल्ड यहाँ से कंजर्वेटिवली 1,000 रुपया और सिल्वर कंजर्वेटिवली यहाँ से 2,000 रुपया और मंडे तक बढ़ने की जगह है। सो आज रात को यूएस का GDP का डेटा है, अगर वो थोड़ा भी रीडिंग खराब आता है तो गोल्ड और सिल्वर में मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी। बुलिश हूं मैं बहुत, और मेरी राय में है ये लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 1730-35 डॉलर का जो भाव चल रहा है, हमने 2,000 डॉलर देखा था साल के स्टार्ट में, वैल्यू है गोल्ड में, बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी, बाइंग कर सकते हैं। और चांदी में मौजूदा स्तरों से 2,000 रुपए तक की तेजी आ सकती है, ऐसा पूरी कन्विक्शन के साथ कुणाल जी का मानना है। सर गोल्ड में यहां से कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं कुणाल जी? गोल्ड भी यहाँ से मुझे 52,000 मंडे तक लग रहा है, 1,000 रुपया गोल्ड और सिल्वर 2,000 रुपया कन्फर्म बढ़ेगा। कुणाल जी बोल रहे हैं कि 1,000 रुपये गोल्ड और 2,000 रुपये चांदी, यहाँ पर इनको पूरा कॉन्फिडेंस है इस तरह के कन्विक्शन के साथ कॉल्स देने के लिए कुणाल जी जाने भी जाते हैं। मनोज जी क्या लग रहा है, आप इनकी बातों से सहमत है, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अब तेजी अब यहाँ से शुरू होगी और इस तरह की तेजी आएगी जैसा कुणाल जी कह रहे हैं? मनोज जी अनम्यूट कीजिए ऑडियो, और आपको भी इस तरह की तेजी गोल्ड और सिल्वर में दिख रही है? मनोज जी मेरा सवाल आपसे है, सवाल यह है कि कुणाल जी को लग रहा है कि यहां से अच्छी तेजी दिखेगी गोल्ड और सिल्वर में, आपको भी लग रहा है कि यहां से अच्छी तेजी आएगी बुलियन मार्केट में? शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, वापस से आपको जोड़ेंगे मनोज जी। भाविक अब आप बताइए टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है, चार्ट के हिसाब से आप बताइए कि गोल्ड सिल्वर में इस तरह की तेजी दिख रही है जैसा कुणाल जी बता रहे हैं? जी जरूर विष्णु जी, देखिए अगर हम देखें तो काफ़ी शॉर्ट पोजीशन गोल्ड और सिल्वर दोनों में थी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अगर गोल्ड की बात करें तो 21 जून के बाद अगर हम देखें तो नियरली 21 बिलियंस की शॉर्ट पोजीशन थी जो 3 साल की सबसे हाईएस्ट थी, और अगर सिल्वर की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन 4 साल की सबसे हाईएस्ट थी। तो इट वॉज ड्यू के कहीं ना कहीं अगर अच्छा डेटा आता है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है, और आज के दिन अगर GDP डेटा US का थोड़ा वीक आएगा तो मुझे लग रहा है कि ये रैली अपसाइड जा सकती है। आई थिंक गोल्ड में 1765 तक मुझे लग रहा है कि रैली दिख सकती है, जो MCX में अराउंड 51,500 से 51,600 तक दिख सकते हैं, और सिल्वर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर एटलीस्ट यहाँ से 57,200 से 57,300 तक भी दिख सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे दोनों में मुझे बाई लग रहा है, बट गोल्ड में थोड़ा मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर 50,800 के करीब आता है तो 51,100 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा, और 50,650 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा।
कुणाल जी के बाद अब भाविक को भी लग रहा है कि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेजी है। 51,500 से 51,600 तक गोल्ड जा सकता है नियर टर्म में ही, और चांदी 57,200 से 57,300 तक जा सकती है। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं, सेक्रेटरी हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। मेहता सर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अच्छी तेजी है। कुणाल जी कह रहे हैं कि 2,000 रुपये यहाँ से चांदी मजबूत हो सकती है और गोल्ड में 1,000 रुपये तक की तेजी आ सकती है। जिनका पोजिशनल व्यू है उनके लिए सलाह है, आपको क्या लगता है इस तरह की तेजी आएगी गोल्ड सिल्वर में यहाँ से? देखिए, जिस प्रकार से कल फेड ने जो अनाउंसमेंट की है वो सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो वो मार्केट ने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए सडनली हमने गोल्ड में तेजी आती हुई देखी। उसी के साथ साथ जो फेड के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम जो अगली रेट बढ़ोतरी होगी वो डेटा को एनालिसिस करके हम करेंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए नहीं, लेकिन सारे दूसरे मार्केट के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इससे जो मंदी एक तरह से गोल्ड में गोल्ड एक मंदी के पकड़ में आ गया था, वो अब मंदड़ियों के पकड़ से अब बाहर निकल रहा है और निकल ही जाएगा बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ही हम $1768 गोल्ड में नई ऊंचाई को देखेंगे और सिल्वर के अंदर हम बहुत ही जल्द इसको हम $20 के पार हम देखेंगे। ये अगले 6 से 7 दिनों में हो सकता है। तो मैं दूसरे पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोना और चांदी दोनों मजबूत होने की कगार पर। सर, MCX में अगर कन्वर्ट करें तो किस तरह के लेवल आप बताएंगे दर्शकों को? मुझे लगता है कि गोल्ड एक बार 52,200 से 300 के बीच में आ सकता है, और जो सिल्वर है, सिल्वर मुझे लगता है कहीं पर भी 57,500 से 57,800 के बीच में बहुत ही जल्द हमें सिल्वर दिखाई दे सकता है। बहुत जल्द इंट्राडे के लिए कॉल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, पोजिशनल व्यू है 2-3 दिनों के लिए या 4 हफ्ते भर के लिए है। जो जिनका ब्रॉडर व्यू है उनके लिए कॉल है। इंट्राडे के लिए भाविक ने जो बताया उस कॉल को फॉलो करें, और कुणाल जी और मेहता सर, इनका जो टारगेट है 52,300 रुपये गोल्ड का और चांदी का 57,500 से 57,800 रुपये का, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। शुक्रिया मेहता जी, सर आपने वक्त निकाला हमारे लिए और गोल्ड और सिल्वर का नया टारगेट दिया है। मनोज जी, अब आप बताइए आपका भी बुलियन मार्केट को लेकर क्या है, आप भी बुलिश है और तीनों ही एक्सपर्ट के साथ सहमत हैं? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल मैं सारे पैनलिस्ट से सहमत हूँ। हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, बस इतना समझ पाया कि आप भी इनकी बातों से सहमत है। चलिए आगे बढ़ते, वापस से सर आपका टारगेट ले लेंगे मनोज जी, ऑडियो में बार बार कुछ दिक्कत हो रही है। अब मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल में भी आज चौतरफा तेजी दिख रही है। अब कुणाल जी, आपके कॉन्फिडेंस को दर्शक काफी फॉलो भी करते हैं और पसंद भी करते हैं, मेटल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेटल में जो तेजी है इस पर भरोसा करें या इस तेजी में अब बेच कर जाने का वक्त है? आई थिंक मेटल्स में भी तेजी बरकरार इसलिए रह सकती है क्योंकि चाइना आज कल या नेक्स्ट हफ्ते में एक पैकेज देगी। चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे होम बायर्स है उन्होंने मॉर्गेज जो EMI रहती है वो पे करना बंद कर दिया था। इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट सेक्टर को बेल आउट करने के लिए 1 से 1.5 ट्रिलियन युआन के बीच में एक स्टिमुलस पैकेज आएगा और इसके चलते हुए मेटल्स भी सब ऊपर चला जाएगा। सो फुल रिस्क ऑन है मेटल्स में भी, कोई फंडामेंटल दिमाग में रिसेशन साइड पे रखिए और बाय कीजिए। यानी रिसेशन की चिंता छोड़ के आपको यहाँ पर बाय करने की सलाह है। सर, कोई एक टॉपिक आपकी तरफ से बेस मेटल्स में? कुणाल जी, कॉपर और जिंक। कॉपर आप 600 644 पे बाय करो, 660 का टारगेट। जिंक 281 पे बाय करो, 292 का टारगेट। पोजिशनल ट्रेडर के लिए कॉपर में और 292 का टारगेट है जिंक के लिए। इंट्राडे के लिए कॉल नहीं है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कॉल है। अब भाविक, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में आज? जी विश्वमोहन जी, अगर आज हम देखें तो सारे बेस मेटल गैप अप से ही खुले हुए हैं और आई थिंक जब तक डॉलर में वीकनेस देखने को मिलेगी तब तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बेस मेटल्स की रैली है वो बरकरार रहेगी। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक होगा जिंक का अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, जो अगर 278.50 के करीब आता है तो 282 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग की पोजीशन के रिकमेंड करूंगा।
276 के स्टॉप लॉस से, और क्योंकि सारे बेस मेटल प्लस में है तो एक पोजीशन में हेज करना भी पसंद करूंगा क्योंकि सब लॉन्ग में है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम जो है उसका अगर फंडामेंटल देखें तो अभी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ चुका है, तो एल्यूमिनियम जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है मैं करंट प्राइस से ही सेल की रिकमेंडेशन करूंगा, 214 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और इंट्राडे टारगेट रहेगा 210 का। तो ये भी हुए मेटल पे भाविक जी का। मनोज जी, अब मेटल की ही बात हो रही तो चांदी पर सबसे पहले बताइए, क्योंकि 50% ये बेस मेटल भी है, 50% ये प्रेशियस मेटल का भी काम करती है, तो चांदी में जो आज की तेजी है इस पर आप भरोसा कर रहे हैं, आपको यहाँ से और कितनी तेजी चांदी में लग रही है? मोहन जी, यहाँ पे आगे भी जो है तेजी चांदी में देखने को मिलेगी। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड जो है वो सर फिर से ऑडियो में दिक्कत कुछ हो रही है इनको, मनोज जी को लग रहा है कि चांदी यहाँ से और तेजी होगी, ओवरसोल्ड जोन में था काफ़ी समय से, एक 54-55 हज़ार के बीच में कई हफ्ते से घूम भी रहा है और काफ़ी करेक्शन भी यहाँ पर आ चुका है, तो वैसे भी अगर रिकॉर्ड से देखें तो 24-25% नीचे है, तो चांदी एक बेहतर बेट है सभी एक्सपर्ट्स का मानना है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं, क्रूड में भी आज तेजी है, हालांकि उस तरह की तेजी नहीं है लेकिन 0.25% तक की तेजी दिख रही है। क्रूड का आप किस तरह का रेंज देख रहे हैं सर, अगर बाकी एसेट क्लास में कुणाल जी अगर तेजी आ रही है तो क्रूड भी यहाँ से और मजबूत होगा? जी, क्रूड के लिए मैं कहूँगा आज का शाम का यूएस का जीडीपी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है 0.4%। यूएस इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, और अगर यूएस का जीडीपी, मेरा रीडिंग ऐसा है कि इवन ये क्वार्टर में भी नेगेटिव आ सकता है या 0% आ सकता है, तो ऐसे केस में क्रूड में आपको बहुत ज़्यादा अपसाइड आप देखने नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल दूसरे मेटल बढ़ रहे हैं, चाइना से स्टिम्युलस आने वाला है तो क्रूड बढ़ सकता है 7900-7910 के आसपास, मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना प्रीफर करूंगा, आई विल गो शॉर्ट इन क्रूड ऑयल एट दोज लेवल्स, टारगेट 7750 का। ओके, 7750 के टारगेट के साथ आप यहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। भाविक, आपका व्यू क्या है क्रूड में? मेरा व्यू आई थिंक लिमिटेड है अपसाइड में, बट फिर भी आई थिंक अपसाइड ही लग रहा है मुझे, एटलीस्ट 8000 से 8050 तक, क्योंकि अगर स्पेक्युलेटिव पोजीशन देखें तो लास्ट वीक ही उन लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशन थी सारी निकल गई है, अभी लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, और अगर हम सही में देखें तो जो पेपर क्रूड है और जो फिजिकल क्रूड है उसमें काफ़ी डिस्कनेक्ट है कि अभी भी डिमांड ओके है बट सप्लाई है वो स्लगिश है। तो हाँ, अगर आज का यूएस का जीडीपी डेटा आता है और थोड़ा वीक आता है तो एक बार क्रूड में शायद नीचे डाउनसाइड दिख सकता है, बट अभी भी फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है क्रूड के, तो मुझे डाउनसाइड ज्यादा नहीं लग रहा है। मे बी 7700 से नीचे अगर सस्टेन करता है तो भी मैं थोड़ा बेरिश हूं, तो आई वुड से कि पोजिशनली 8000 का जो कॉल है 17 अगस्त का वो अराउंड 320 चल रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं 450 या 500 के टारगेट के लिए, और 250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये एक से दो दिन का व्यू है, इंट्राडे मेरा व्यू नहीं है कोई। चलिए अब वक्त हो गया है हमारी एक्सक्लूसिव खबर का, शुगर पर वो एक्सक्लूसिव खबर है। पिछले हफ्ते ही हमने बताया था कि शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, अब इंडस्ट्री के जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि सरकार की अब नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है, सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है, इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक ये खबर आ रही है, और 20 लाख टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है शुगर एक्सपोर्ट की, जो अब जो इस साल मई में जो बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट पर, जो पाबंदी लगाई थी उस समय तक जो शुगर एक्सपोर्ट की जो लिमिट थी वो थी 10 मिलियन टन की, 1 करोड़ टन की थी, लेकिन उसे अब बढ़ाने की ये तैयारी है, उसे 20 लाख टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट की और मंजूरी दी जा सकती है इससे। लेकिन क्या होगा, क्या मार्केट में क्या हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है जब हम अगले सीजन में जाएंगे 1 अक्टूबर से, तो क्या हमारे पास बफर के लिए पर्याप्त स्टॉक रहेगा चीनी का, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ आदित्य झुंझुनवाला साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्मा के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, बफर स्टॉक की क्या स्थिति रहेगी अगर हम 12 से 20 लाख टन और अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करते हैं चीनी की, तो क्या स्थिति रहेगी बफर की? जो आप, हम लोग ने सरकार से मांग करी थी कि हमको 10 से 12 लाख टन का एडिशनल एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, जो हमको सूत्रों से पता लगा है कि जीओएम की बैठक में कल इसका अप्रूवल हुआ है, हम लोग इसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके निर्यात होने के बावजूद विदेश में हमको जो अंदाज है कि 60 से 62 लाख टन चीनी हमारे पास उपलब्ध होगी, जो कि 3 महीने के स्टॉक के लिए सफिशियंट है। ओके, 60 से 62 लाख टन होगी जो 3 महीने का जो सीजन होगा, फिर नई पेराई शुरू हो जाएगी तो नए शुगर मार्केट में आ जाएंगे। सर, 2022-23 के भी आप लोगों के अनुमान जारी हो चुके हैं, इस बार बुआई के आंकड़े बहुत
बेहतर है, 4% ज्यादा बुआई के अनुमान है, लेकिन जो उत्पादन के अनुमान है वो इस साल के आसपास ही है, बहुत या कमी है, 5 लाख टन कमी का अनुमान आप लोगों ने जारी किया है, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, इसमें दो चीज को आपको देखना होगा, जो हमारा बुआई ज्यादा हुई है और चीनी का उत्पादन भी ज्यादा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा एथेनॉल में कन्वर्जन था, शुगर का एथेनॉल में, वो हमारा ज्यादा है। अगर इस साल हम देखेंगे 2021-22 में हमने 34 लाख टन चीनी को कन्वर्ट किया था एथेनॉल में, और अगले साल का जो हमारा लक्ष्य है 22-23 का, उसमें हम 45 लाख टन चीनी को कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल में। तो अगर आप वैसे देखें तो 11 लाख टन चीनी हमारी कन्वर्ट होगी एक्स्ट्रा एथेनॉल में। 34 लाख टन जो मौजूदा सीजन है वो उस सीजन के लिए, और 22-23 के लिए वो 45 लाख टन है, जिस वजह से उत्पादन यहाँ पर 355 लाख टन के आसपास का अनुमान जताया जा रहा है। सर, अब अगला सवाल होगा, जब हमारा उत्पादन और डाइवर्जन इतना ज़्यादा होगा तो क्या इस साल की तरह अगले साल भी हम एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस होगा, और उस क्वांटम में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्या अगले साल शुगर का? साल के लिए जो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है वो 80 लाख टन के लिए हमने मांगा है, क्योंकि अगर आप देखें हमारा प्रोडक्शन करीब करीब 400 लाख टन अगले साल होने की उम्मीद है, उसमें अगर हम 45 लाख टन को कन्वर्ट करते हैं एथेनॉल में तो हमारे पास 355 लाख टन चीनी की उपलब्धता होगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा 275 लाख टन है, इस तरह हमारे पास 80 लाख टन चीनी सरप्लस होगी, जिसको कि हमको इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात करना होगा। प्राइस आउटलुक को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से प्राइस कमजोर हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, और आई शुगर एक साल के निचले स्तरों पर आ गया है, ब्राजील में गैसोलीन के दाम कम किए गए, हालांकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था क्योंकि चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं, ऐसे में क्या बायोफ्यूल की डिमांड कम हो सकती है और ब्लेंडिंग पर फोकस कम हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और एक लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड तो नहीं शुरू हो रहा है शुगर में? ये ब्राजील का सवाल है, क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि इलेक्शंस को देखते हुए वहां पे ड्यूटी स्ट्रक्चर में गैसोलीन में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा एथेनॉल का मार्केट इफेक्ट हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म में ऐसी स्थिति बनेगी, इसीलिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया था लास्ट एक महीने से कि ये सही समय है कि हमको अपने एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कर लेने चाहिए। सर, तो ओवरऑल प्राइस आउटलुक आपका क्या कह रहा है, क्या सेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या भाव यहां से नीचे आएंगे, क्या इस जिस तरह की तेजी और एक माहौल जो बना था तेजी का माहौल शुगर मार्केट में, वो अगले साल नहीं रहेगा? मुझे लगता है स्टेबलाइज रहेगा, कोई हमको बहुत तेजी नहीं दिखती है, लेकिन अगर हमारा निर्यात समय पे हो पाया तो हमें लगता है मार्केट हमारे ठीक स्तर पे रहेंगे। शुक्रिया झुनझुनवाला साहब, आपने वक्त निकाला, और फिर से एक बार बात होगी जब नोटिफिकेशन जारी सरकार की तरफ से कीजिए हो जाएगी, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे शुगर एक्सपोर्ट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते और वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। हमारे साथ तीनों ही मेहमान बने हुए हैं, मनोज जी, कुणाल जी और भाविक बने हुए हैं। अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, करेंसी को लेकर आपका क्या व्यू है? अब एक तरह से आप देखिए तो रेट जो बढ़ाने का जो वॉर है सेंट्रल बैंकों का आपस में शुरू हो चुका है, तमाम सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 अगस्त को RBI का भी रुख सख्त हो सकता है और ब्याज दरें यहाँ भी तेजी से ऊपर की ओर जा सकते हैं, ऐसे में क्या रुपए का मूवमेंट किस तरह का होगा आने वाले हफ्ते में? RBI ब्याज दरें बढ़ाने वाली है, ये एक चीज जो आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डूइंग व्हाट द डेवलप्ड सेंट्रल बैंक्स आर डूइंग, सो दैट विल प्रिवेंट द डेप्रिसिएशन, और डॉलर इंडेक्स वहाँ पे पीक हो गया है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, सो मुझे नहीं लग रहा है रुपये 80-20, 80-30 के ऊपर जाएगा, और नीचे में 79-20, 79 के लेवल्स आपको अगले हफ्ते में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है करेंसी मार्केट का व्यू। चलिए, अब नेचुरल गैस पर बात नहीं हो पाई थी, मनोज जी नेचुरल गैस को लेकर आपका व्यू क्या है, क्या लग रहा है यहाँ से? मनोज जी के ऑडियो में अभी भी दिक्कत है। भाविक, आपका व्यू नेचुरल गैस पर? देखिए, नेचुरल गैस में लास्ट वीक अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली थी, क्योंकि जो रशिया थे वो जो यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई कर रहे थे पहले 33%, और अब उन्होंने बोला कि वो 20% ही सप्लाई करेंगे, तो ऑफकोर्स नेचुरल गैस का शॉर्टफॉल यूरोप में रहेगा। और US का अगर देखें तो LNG वो लोग इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, बट अभी भी फिलहाल जिस विंटर में अगर यूरोप जाएंगे तो उनके पास नेचुरल गैस की कमी रहेगी, क्योंकि कहीं और अभी ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। और दूसरे अगर देखें तो अभी करंटली भी डिमांड नेचुरल गैस की बहुत हाई है US और यूरोप में, अगर हीट वेव की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट नेचुरल गैस का मार्केट थोड़ा 1-2 दिन कंसोलिडेट रहेगा और वापस से एक रैली देखने को मिलेगी। हालांकि काफ़ी ओवरबॉट है, तो फिर भी मैं रहूँगा कि आई थिंक अराउंड 650 के
करीब एक बार डिप आता है तो 635 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, ये पोजिशनल कॉल है और उसका टारगेट रख सकते हैं 740 का। कुणाल जी, नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी जुलाई महीने में दिखी है, करीब करीब 35% नाइमेक्स पर, 50% TTF गैस और यूके गैस में तो 125% की तेजी आ चुकी है, क्या अब यहाँ से भी तेजी और बाकी है? आपको लग रहा है कि नहीं, अब ओवरडन है, अब यहाँ बहुत ज्यादा तेजी नहीं टिकेगी नेचुरल गैस की? जी, इवन दो प्राइस नीचे जाएगी, ये कमोडिटी में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेदर रशिया और भी अपनी गैस को टाइट करेगा सप्लाई को, या उनके अंदर दया भाव प्रकट हो जाएगा और कहेगा कि नहीं हम फिर से गैस चालू करें, तो ये सब चीज हमारे हाथ में नहीं है। सो आई थिंक अवॉइड कर सकते हैं आप तो अवॉइड कीजिए, वरना मंदी तो भूल से भी मत कीजिए। यानी अगर आपके पास बहुत रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो आप इसमें ट्रेड करें। पहला काम ये करें कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में कभी मत जाए, इसलिए कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, कभी भी बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं, और जो स्थिति है जिस तरह के तनाव ग्लोबली है उसका यहाँ पर नुकसान आपको हो सकता है। तो संभल कर ट्रेड करें, कोशिश करें, अगर ना ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है नेचुरल गैस में। चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, कॉटन पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कॉटन में वापस से तेजी शुरू हो चुकी है, कुणाल जी क्या लग रहा है, कॉटन में तेजी और बढ़ेगी यहाँ से? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की तेजी नहीं है जितना घरेलू बाजार में दिख रही है। जी, इंटरनेशनली भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा कॉटन, क्योंकि चाइना ने कॉटन फिर से प्रोक्योर करना स्टार्ट किया है, तो मुझे लग रहा है आपको एक इंटरनेशनल में भी एक स्पाइक देखने मिलेगी। थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट है उसका भी फायदा मिलेगा, कमोडिटी में फिर से तेजी का थोड़ा माहौल बन गया है उसका भी फायदा मिलेगा, बाय करना चाहिए। यानी बाई की सलाह है। अभी भी आइस कॉटन भी वापस से $100 के ऊपर आ गया है, और डोमेस्टिक मार्केट में जो मॉनसून की वजह से कई जगहों पर कई उत्पादक क्षेत्रों में फसल जो खराब हुए हैं उससे घरेलू बाजार में तेजी थोड़ी और ज़्यादा है, लेकिन आइस कॉटन में भी काफ़ी रिकवरी धीरे धीरे अब लौट रही है। चलिए बाकी काउंटर्स में अगर मसालों की बात करें तो रेंज में ही कारोबार हो रहा है। हल्दी की बात करें 7800, जीरा 23800, धनिया 11850 पे है। तीनों में से कुछ पसंद आ रहा है क्या भाभी का आपको? मसालों में अगर कुछ खरीदना है तो क्या खरीदेंगे आज? देखिए, मसाले में जीरे की अगर रैली देखें तो काफ़ी अच्छी है, और इनफैक्ट इस बार अगर देखें तो कैरी ओवर स्टॉक जो है वो काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीरे में जो ये रैली है वो एटलीस्ट 24,200-24,500 तक दिख सकती है। बट इंट्राडे मेरा टारगेट कम रहेगा, तो इंट्राडे जीरा अगस्त अगर 23,600 के करीब आता है तो 23,900 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 23,400 का। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया कुणाल जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने आज कॉल्स दिए हैं आपको वापस से जोड़ेंगे कुणाल जी। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ ब्रेक के बाद।